नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। हम रूपेश ब्लॉगर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। आज हम फिर से पहुंचे हैं गांव में और गांव में हमको एक भैया मिले हैं और भैया से आज कुछ बात करना चाहते हैं गांव के सिचुएशन के बारे में। जैसे मैं कुछ बात करना चाहते हैं, सबसे पहले तो भैया को हम चैनल में बुलाना चाहते हैं और चैनल के माध्यम से रूबरू बात कराना चाहते हैं कि आखिर गाँव का सिचुएशन अभी क्या है। भैया आप एक मिनट यहाँ आइएगा, आपको मेरा चैनल में स्वागत है, यहाँ देख करके बोलिए। भैया सबसे पहले तो हम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या पड़ेगा, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश सिंह है। अच्छा, अभी कौन सा गांव है पहले बताइए। सरांग गांव है। सरांग। भैया हम ये पूछना चाहते हैं कि गांव में भी कोई सामूहिक काम ऐसा हुआ है जो बड़ा काम हो के केंद्र सरकार से या झारखंड सरकार से? नहीं नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। थोड़ा तेज बोलिए ना। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है अभी तक ले? नहीं। मैंने 2023 में कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन ऐसा काम बड़ा काम नहीं हुआ। कौन सा काम हुआ है बताइए थोड़ा सा। ये सब काम हुआ है। ये सब पानी, क्या पानी टंकी ये सब अच्छी बना है। पानी टंकी वगैरह बना है, चालू हो गया है? चालू नहीं हुआ है। पानी मिल रहा है घर में किसी को? अभी अभी शुरुआत हुआ है, बनिए रहा है तो। अच्छा, और हम पूछना चाहते हैं कि सरांग गांव में कितने बस्ती है? सरांग गांव में हाँ, कितने लोग का घर होगा? 200 घर होगा। 200 का बस्ती होगा यहाँ पे। तो हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोग का अभी राशन कार्ड यहाँ पे बना हुआ है? ऐसे मतलब बहुत लोग के बन गया, तानी माने 100% में 10% नहीं बना। 100% में 10% लोग का अभी नहीं बना होगा। और पेंशन से मुक्त कितना लोग? पेंशन से पेंशन में हुए आधा लोग के मिल रहा है, आधा लोग के नहीं मिल रहा है। कौन सा जाति के सब यहाँ पे अति है बस्ती है? खेरवार जाति साहब जी। खेरवार साहब जी, दुए जाति के यहाँ मतलब। अच्छा, और हम पूछना चाहते हैं कि अभी जो सूखा रहा तो पीएम किसान के जो फॉर्म तोरम भरा रहा था, ये सब लोग भरवाए हैं सरकार से लाभ लेने के लिए? हाँ भरवाए हैं। है? भरवाए हैं अभी 2023 में ही वाला में? नहीं, पहले ही वाला में। पैसा मिला कि नहीं मिला, थोड़ा तेज बोलिए ना, थोड़ा तेज बोलिए ना। पैसा मिला है? है? मिला है, और के मिला है और के नहीं मिला। और अभी जो नया नया जो अभी भरा रहा है उसके बारे में भरवाया कि नहीं भरवाया आप लोग? पूरे गाँव वाला भरवाया कि नहीं भरवाया? नहीं नहीं भरवाया, कोई नहीं भरवाया है। नहीं। सुन लीजिए, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी, हम सरांग गांव में पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ एक भाई मिले हुए हैं। भाई से कुछ हम गांव के सरांग गांव का सिचुएशन के बारे में पूछना चाह रहे थे। जैसे मैं भैया बता रहे हैं कि हमारे सरांग गांव में कम से कम 200 का बस्ती होगा, जिसमें लगता है कि 75% आदमी का कम से कम राशन कार्ड और पेंशन से मुक्त हो गया है। 25% यहाँ पे लोग अभी नहीं है मुक्त। हम यही झारखंड सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे सरांग गांव के अंदर, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो सरांग गांव रमना प्रखंड के अंदर पड़ता है ना भाई, बिशुनपुरा प्रखंड के अंदर पड़ता है। तो हम यही कहना चाहते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के कि कम से कम यहाँ पे जो भी हमारे लोग का कमी बेसी होगा, कम से कम इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और कुछ कमी है? झारखंड सरकार को जो कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं, बोलिए। नहीं नहीं, जो जो कमी था वो तो बताइए। और कोई कमी होगा तो बताइए। नहीं, रोड वगैरह के काम हो रहा है अभी? नहीं नहीं हो रहा। तो बताइएगा ना, रोड वगैरह का काम नहीं हो रहा है। सुन लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री जी, अभी रोड कैसा कैसा भी यहाँ पे बना हुआ है? रोड बढ़िया ऐसा नहीं है, अभी बहुत खराब रोड। कच्ची है पक्की है? कच्ची है। सब कच्ची है? सब नहीं, आधा कच्ची आधा पक्की है। सुन लीजिए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी, हम इतना ही कहना चाहते हैं वीडियो में कि सरांग गांव के अंदर में कुछ ऐसा ऐसा काम जो रुका हुआ है कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लोग मने उससे अस्त व्यस्त है। जैसे में रोड हो गया, ये क्या हो गया कि कुछ राशन कार्ड वगैरह रुका हुआ है, कुछ पेंशन रुका हुआ है, कुछ पानी टंकी का जो काम होता है वो भी मैंने अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। हम वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारे सरांग गांव के अंदर में जो भी हमारे कमी होगा इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तब तक से हम वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत,